Good afternoon, dear students. This is your English period. Yesterday we read lesson 6. What's this? पढ़ा आपने? Reading करी थी? आज हम करेंगे page number 57 की exercise. Circle the correct words. Open your book and write the question in your notebook. There is a rabbit in the hay or cat. दोनों में से एक right answer. जब आपका slash आता है इसका मतलब दोनों में से आपका एक आंसर करेक्ट है. There is a rabbit in the hat or cat. इसमें हैट में है या कैप के अंदर है? रैबिट कहाँ था? कल मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या ड्रॉ किया था? हैट ड्रॉ करी थी ना, तो रैबिट कहाँ था? हैट के अंदर था. सर्कल द करेक्ट वर्ड. हैट इज द करेक्ट वर्ड. दैट्स व्हाई वी विल ड्रॉ अ सर्कल टू द वर्ड हैट. नाउ क्वेश्चन 2. व्हाट इज द क्वेश्चन 2? There is an apple. There is an apple in the bay. Or basket. There is an apple in the bag or basket. कल हमने basket भी बनाई थी. और वो क्या था बास्केट के अंदर? व्हाट वाज इन द बास्केट? देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट. सो देयर इज एन एप्पल इन द बैग ऑफ बास्केट. बास्केट. वी विल मेक अ सर्कल अलोंग द बास्केट. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. देयर आर स्वीट्स. There are sweets in the box. In the box or dish. Sweets कहाँ थी इरफान के पास में? Box के अंदर थी या dish के अंदर थी? Dish means plate. There are sweets in the box or dish. Where are sweets? Sweets were in the box. So make a circle on the word. Dear students, you will write these questions in your notebook. Question 1, 2, and 3. First, write down what is that. Then, lesson 6. What's this? Circle the correct words. First, there is a rabbit in the hay or cap. There is an apple in the bin or basket. There are sweets in the box or dish. Box. So we will make a circle on the word box. Okay. Now open your books and let's read between the lines. Who do you think put the rabbit in the hat? Who do you think? आप क्या सोचते हैं कि रैबिट को हॉप उसमें हैट में किसने डाला होगा? Who do you think put the rabbit in the hat? किसने उस रैबिट को हैट में डाला होगा? The owner of the hat or magician? क्या उस हैट के मालिक ने उसको उसमें डाला या मैजिशियन? देखा आपने कभी मैजिक शो? देखा है मैजिक शो में क्या होता है? मैजिशियन हैंकी डालता है और उसमें से रैबिट निकालता है. ऐसा मैजिक शो में होता है ना? ऑनर तो नहीं डालता है. ऑनर कभी अपने रैबिट को हैट में डालेगा? नो. ऑनर कभी भी अपने पेट को हैट के अंदर नहीं डालता है. दिस इज अ मैजिक शो और एक मैजिशियन क्या करता है? मैजिक दिखाता है और हैंकी से रैबिट बना लेता है. तो अब मैजिशियन पर आप टिक कर देंगे. ये वाला बुक में ही करेंगे. लेट्स स्टॉप. जैसिंग गेम पैर वर्क. दो बच्चे आपस में कुछ खेल रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स. Ask and answer questions. हमें pictures को देखना है. कुछ बच्चे questions कर रहे हैं और कुछ answers दे रहे हैं, है ना? Look at the pictures. Ask and answer questions. First, boy क्या पूछ रहा है? What is the boy asking? What's that? What's that? कुछ bush बनी हुई है उसकी तरफ कह रहा है. What's that? Girl बोल रही है. It is a tree. Girl ने क्या बोला? It is a tree. Boy, no, this is a tree.
बॉय ट्री के पास खड़ा हुआ है तो बॉय बोल रहा है नो दिस इज अ ट्री देन गर्ल ओ यस दैट्स अ ट्री हाँ वह ट्री है बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो तुम दिस इज अ बुश ये क्या है दिस इज अ बुश ये छोटी छोटी झाड़ियाँ बनी हुई है अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट्स दैट ये क्या है बॉय इज आस्किंग व्हाट्स दैट गर्ल इज सेइंग दिस इज अ ट्री बुश की तरफ बता रहा है नो दिस इज अ ट्री बॉय वापस कह रहा है ये ट्री तो ये है एंड गर्ल इज आंसरिंग ओ यस दैट्स द ट्री दिस इज अ बुश हाँ हाँ ट्री तो वह है यह तो बुश है नाउ अगेन टू गर्ल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर टू गर्ल्स आर कन्वर्सिंग विद ईच अदर क्या बातें कर रही है आपस में आप सुनेंगे टू गर्ल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर फर्स्ट गर्ल इज सेइंग व्हाट्स दिस शिप की तरफ देख के बोल रही हूँ व्हाट्स दिस दूसरी गर्ल कह रही है इट इज अ गॉड दूसरी गर्ल ने क्या आंसर दिया इट इज अ गॉड देन फर्स्ट गर्ल सेइंग नो इट इज नॉट दैट्स अ गॉड एक शिप खड़ी हुई है एक गॉड खड़ी हुई है तो फर्स्ट गर्ल कह रही है नो इट इज नॉट दैट इज अ गॉड ये गॉड नहीं है दैट्स अ Oh yes. Then again second girl is saying, Oh yes, 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 yes. This is a god. Haan, yeah, god hai. That is a sheep. What the sheep hai? Dikh raha hai sheep or god? Is tarah se aap bhi apne friend ke saath, mamma ke saath, sister ke saath, brother ke saath conversation kar sakte hain. Baat kar sakte hain chote chote sentence. What is this? Jaise aap apne Sisters will say, what is this? He will speak, it is a book. Yes, it is an English book. It is an English book. They say, what is this? It is a stick. It is a stick. Agar koi dusra bole, no, 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 it is not a chalk. It is a stick. Agar maine bol diya, aapne pucha, what is this? I am saying, it is a chalk. Tab bole, no, it is not a chalk. Is a stick है ना इसी तरह से अगर आप अपने भाई से या छोटे सिस्टर से पूछेंगे व्हाट इज दिस तो बोलेगा इट इज अ नोटबुक तब क्या बोलेंगे नो इट इज नॉट अ नोटबुक इट इज अ बुक तो बोलेगा यस इट इज अ बुक एग्जैक्टली सो आप इस छोटे से सेंटेंस बनाकर बात करेंगे अपने फ्रेंड्स से अपने फैमिली मेंबर्स से और आपस में क्वेश्चंस पूछेंगे और आंसर देंगे ठीक है ये वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे अच्छे सुंदर राइटिंग में जो हमने कल चैप्टर में पढ़ा था उसमें से ही ये क्वेश्चंस और इस चैप्टर को आप अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे हमने पढ़ा था ना कल अम्मी व्हाट्स दिस सीमा इट्स अ हैट इज देयर अ पपी इन द हैट No, that is not. That's a rabbit in the hat. Now, then again, Seema, what's this? I mean, it's an apple. Is it in a bag? I mean, no, it isn't. It's in a basket. Yes, it is. And Ari, what's this? Rupa, it's a box of sweets. Ari, Are there 5 sweets in the box? Rupa, no. There are 6 sweets in the box. Putting 1 sweet in his mouth, now there are only 5. So, read this lesson carefully and you can easily do the question answers. Okay? Write down in your notebook.